तुम हमला न करते, तुम कबाइलियों को न भेजते, तुम यहाँ मुसीबत न डालते, तुम हमारे भाइयों का कत्लेआम यहाँ न करते, आप तुम लोग ये न करते तो शायद सूरत दूसरी थी। क्या कहा था हमें? क्यों तुमने कबाइली भेजे? क्यों तुमने तलवार के साथ हमें खत्म करना चाहा? शर्मानी की रूह भी पुकार रही है हमें। मास्टर अब्दुल अजीज, जो हमारा ये एक बहुत बड़ा कारकुन मुजफ्फराबाद का था, उसकी रूह आत्मा भी हमें पुकार रही है। क्यों तुमने उसको खून के गांठ उतारा? क्यों तुमने उसका कत्लेआम किया बारामुल्ला में और मुजफ्फराबाद में? इसलिए ना कि अब्दुल अजीज ने वहां हिंदू और सिख औरतों को अपने घर में पनाह दी थी और ये कहा था कि इस्लाम इजाजत नहीं देता है कत्ल करने की। इस तरह ये भी तुम्हारी बहनें हैं, ये भी तुम्हारी माएं हैं, मैंने अगर इनको पनाह दी, मैंने गुनाह क्या किया? तुमने पाकिस्तान बनाना है, मुझे उससे कोई गरज नहीं। महज इस गुनाह पर उसको गोलियों से छलनी बनाया गया। अगर तुम ये हरकतें न करते, नक्शा शायद कुछ और होता। तुमने ऐसी हरकतें की और बाजी हार गए। बाकी उस वक्त हम तो उस तरह से बेड़ बकरियों की तरह से अपनी कौम को कत्ल होने की इजाजत न देते। हमने मुकाबला किया। हमारे पास हिंदुस्तान की फौज नहीं थी, हमारे पास खुद अपनी यहां रियासत की फौज नहीं थी, लेकिन एक अज़्म था, एक इरादा था। वो इरादा आज उस वक्त हमने नहीं किया था 47 में, वो 31 में अज़्म किया था। हम किसी भी शख्स को हम अपनी तकदीर के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे, वो कोई भी हो। तुम्हारे नुमाइंदे हमारे पास आए, हमने उनसे कहा कि हमने तो कोई झगड़ा नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान तुम लोगों ने बनाया, हम यहां सोचेंगे अब हमें पाकिस्तान में जाने से फायदा होगा या हिंदुस्तान में रहने से फायदा होगा या आजाद रहने से फायदा होगा, यह फैसला करना हमारा काम है। यह फैसला करना यहां के हिंदू सिखों मुसलमानों का काम है। उसी को हक खुद इरादियत कहते हैं। हमने कहा था कि तुम जो हमारा फैसला होगा उसको तुम्हें कबूल करना चाहिए, जो हमारा फैसला होगा उसको हिंदुस्तान को कबूल करना होगा, जो हमारा फैसला होगा दुनिया को कबूल करना होगा। तुमने कहा नहीं, तुमने कहा नहीं, तुम्हारी तकदीर का हमने फैसला कर लिया है। मैंने पूछा कि वो आपको किसने वो मुख्तारनामा दिया था? हमने तो नहीं दिया था मुख्तारनामा, तुम हमारी तकदीर का फैसला करो। हम तो 31 से लड़ते रहे हैं कि अपनी तकदीर के मालिक हम खुद बने, तुम कैसे हमारी तकदीर का फैसला कर सकते थे? उन्होंने कहा बहरहाल हमने किया और अगर तुम नहीं मानते हो फिर हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। मैंने कहा अगर तुमने वो तरीका इख्तियार किया तो हमारी लाशें होंगी, फिर तुम्हें आने देंगे अपने वतन में। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने कबाइली भेजे, उन्होंने तलवार के जोर से हमें अपना गुलाम बनाना चाहा, हमने उसे इनकार किया। हमने अज़्म किया कि हम जाने देंगे लेकिन कभी भी इस पोजीशन को कबूल नहीं करेंगे। हमने इमदाद तलब की, हमने मदद मांगी, आखिर हमने अपनी इज्जत को बचाना था। उस वक्त हिंदुस्तान सामने आया, उसने हमारे उन कदरों से इत्तेफाक किया, उन मकासिद से इत्तेफाक किया जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे और हमारे उस हक को पूरी तरह से तस्लीम किया कि मुल्क की तकदीर जो है वो यहां के ही लोग बना सकते हैं, जो भी उनकी मर्जी हो। चुनांचे वही हमारा उनके साथ संबंध हुआ इसी लाल चौक में। आपको तो याद नहीं होगा, हिंदुस्तान का मायनाज सपूत और लीडर जवाहरलाल यहां आया, उसने अपना हाथ हिंदुस्तान का हाथ मेरे हाथ में दिया। आज वो दुहाई देते हैं दुनिया को कि रेजोल्यूशनों की खिलाफ वर्जी हो रही है। आज वो यूनाइटेड नेशन को भेजता है अपनी चिट्ठियां कि अब्दुल्ला और इंदिरा
रेजोल्यूशनों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। किन रेजोल्यूशनों का नाम लेते हैं? क्या वही रेजोल्यूशन जिनको कल ही उसने रद्दी कागज के टुकड़ों से पुकारा? क्या वो बात सही थी या ये बात सही? आप कश्मीर के लोगों के हक खुद राजत के लिए तड़प रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो 15 लाख कश्मीरी तुम्हारे दस्त इख्तियार में हैं, आपने उनको हक खुद राजत दे दिया? क्या आपने उनको ये आजादी दी कि अपनी किस्मत जिस तरह चाहे बनाए? आप तो दुनिया को दुहाई दे रहे हैं, आप हिंदुस्तान को गालियां दे रहे हैं, लेकिन घर की सूरत तो क्या है आपकी? मैं तभी मानता कि तुम एक ईमानदार इंसान हो, मैं तभी मानता कि तुम्हारा कौल और फेल एक है, जब तुम 15 लाख हमारे भाइयों को वो हक देते कि वो इज्जत आबरू और आजादी के साथ वहां जिंदगी बसर करते। तब मैं समझता कि हां, पाकिस्तान जो कहता है वो करके दिखाता है। नहीं, ये बात नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें कश्मीर के लोगों की जरूरत नहीं है, तुम्हें कश्मीर के जंगलों की जरूरत है, तुम्हें कश्मीर के पानी की जरूरत है, तुम्हें कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं की जरूरत है। तुम उसी तरह कश्मीर के साथ सलूक करना चाहते हो जिस तरह माजी में और लोगों ने उसके साथ सलूक किया और उसको अपना ऐशगाह समझा और कश्मीरियों को वो ऐश अशरत का सामान समझा। तुम भी वही समझोगे। हमने ये जख्म खाए हैं। हम दोस्त और दुश्मन को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि किसकी क्या नीयत है। आप भले से दुहाइयां दें दुनिया को, हम जानते हैं ये तुम लोग हो जिन्होंने हमें आज 27 साल से मुसीबत में डाला।